All right, all right. So, This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did yesterday and what markets can do tomorrow. मतलब Friday को markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now, what was our view for the day? देखो, I think I've been very clear with my view कि जब तक 22,112 के नीचे हमको एक double closing नहीं मिलती. मतलब two daily closing जब तक हमको नहीं मिलती, तब तक it is not safe for you to assume कि trend up change हो गया.

कि हमको फर्स्ट टाइम एक वन साइडेड ट्रेंडिंग डे मिला है वन साइडेड ट्रेंडिंग डे क्या होता है मतलब अगर मार्केट नीचे खुल रही है और ऊपर ऊपर ही जा रही है विदाउट एनी रिट्रेस में इज कॉल्ड अ वन साइडेड ट्रेंडिंग डे ऐसा नहीं कि पहले ऊपर गई मार्केट एंड देन नीचे आई देन इट्स नॉट काइंड ऑफ अ ट्रेंडिंग डे बट ऐसे वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज अभी थोड़ा रेयर हो गए बट जब भी आते वी मेक श्योर दैट यू नो वी आर कैचिंग इट एट लीस्ट यू नो वी ट्राई टू कैच इट हंड्रेड परसेंट ऑफ द टाइम्स बट ऑफकोर्स एवरी ट्रेंडिंग मूव के नॉट बी कॉड हम लोग भी ट्रेडर्स है एट द एंड ऑफ द डे हमारे से भी मिस हो जाते कभी भी बट वी वॉन्टेड दिस वेरी बैडली हमको चाहिए था ये कि ये ट्रेंडिंग मूव आए एंड वो आया एंड लेवल्स जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे एक्जैक्टली वहां से आया सो इट वॉज वेरी नाइस टू वॉच एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एट फिफ्टी जैसे ही यहाँ पे सस्टेन करना चालू किया वी गेव द ट्रेड्स एंड नॉट अ सिंगल ट्रेड वॉज नेगेटिव फॉर अस इन द मंथ आई मीन ऑन फ्राइडे सो टू गुड डेज थर्सडे एंड फ्राइडे सो लेट सी वॉट द नेक्स्ट वीक हैज इन स्टोर फॉर एस मतलब गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ रही है यू कैन से आफ्टर टू वीक्स ऑफ यू नो रेड डेज ठीक है सो इट वॉज अ क्रिस्टल क्लियर शॉर्ट कवरिंग डे शॉर्ट कवरिंग क्यू आई सिंपल रीजन देखो मार्केट्स में आई थिंक मैंने मैं दो दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में देखो अभी नीचे नीचे जा रहा है मार्केट ओके एंड अभी सपोर्ट के पास है ठीक है मार्केट्स कभी भी नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे पुल बैक दे दे के ही जाएंगे ओके okay. तो so, ये पुल बैक हमको एक मिला था यहां पे यहां पे हमको सेकंड पुल बैक मिला नाउ दिस गैप डाउन आल्सो आई थिंक इट वाज़ नॉट फेवरेबल आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि यू नो बिग प्लेयर्स वर एक्सपेक्टिंग दिस गैप डाउन क्यों क्योंकि देखो जो न्यूज था इसराइल और ईरान का आई थिंक वो सुबह आया था अराउंड वन आवर बिफोर मार्केट ओपनिंग एंड फिर वो न्यूज ड्यूरिंग मार्केट आज ही बोल दिया था कि नहीं ईरान ने डिनाई किया कुछ सॉरी ने ने डिनाई किया कि हम लोग ने कुछ मिसाइल फायर नहीं किया था तो गिफ्ट निफ्टी जो माइनस थ्री हंड्रेड पॉइंट है वो सीधा माइनस वन फिफ्टी पॉइंट हो गया था तो यू हैड योर फर्स्ट हिंट कि अभी आज, आज आपको बुलिश होना नहीं आई I मीन mean, बैरिश नहीं होना है मार्केट में आपको थोड़ा बुलिश सोचना है मार्केट में आपको थोड़ा स्मार्ट मनी जैसे सोचना है मार्केट में ओके एंड दैट इज एक्जैक्टली वॉट हैप्पन मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी आई इन 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 इनफैक्ट निफ्टी में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी है बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी लेट मी शो यू द चार्ट बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रिकवरी है इसके भी लेवल्स काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किए गए ये जो सफर हम लोग ड्रॉ करके गए थे काफी अच्छे से चला है एंड काफ़ी अच्छा रैली इसमें भी है और फिन निफ्टी भी आपको पता है इट मूव वेरी नाइसली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सॉरी फिन निफ्टी और निफ्टी में हमने ट्रेड्स दिए एंड दे वर्कड वेरी नाइसली ओके and they uh, if you want to trade on these levels you know you guys can join the i mean you can check the description you will know what needs to be done but then it is not necessary that you need to join uh, aapko nahi hai, you know aap पेड ग्रुप ज्वाइन करो आप इतने यू नो महीनों से यू आर सीन दिस वीडियो यू नो हाउ द लेवल्स वर्क आपको सिर्फ लेवल्स पे काम करना एंड ये लेवल्स तो वैसे भी आपको फ्री में मिल रहे वी आर नॉट चार्जिंग यू एनी थिंग फॉर दिस लेवल्स एंड इट विल रिमेन दिस वे वी विल नॉट बी हम लोग कभी आपको ये लेवल्स के लिए चार्ज करने वाले है भी नहीं ठीक है इज गुन बी ऑलवेज फ्री तो यू गाइज कैन यूज इट टू योर एडवान्ज एंड दे वर्क दट्स वाई यू नो इट्स वेरी गुड टू सी द डी एम्स एट वी गेट कि आप कैसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं इज कमिंग वो वीडियो आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में वैन आई डू द प्राइज एक्शन जो मेरे हिसाब से प्राइज एक्शन जो चलता है मार्केट में वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोग के साथ ठीक है सो इट वॉज साइडेड ट्रेंडिंग डे मच वन साइडिंग मचिंग ट्रेडिंग डे आफ्टर वीक्स यू कैन से ओके सो लेट्स लुक एट कैन हैपन इन द मार्केट बॉन पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक्चुअली क्या कर, क्या कर रहा है हमारा मार्केट और वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ ठीक है तो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज नथिंग बट देखो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ है ही नहीं ज्यादा मार्केट एक रेंज में चल रही है यू कैन से एक स्लॉटिंग uh, जो भी बोल रहे आप ट्रेंड लाइन बट उतना ज्यादा चलते नहीं है ट्रेंड लाइन अगर देोगे मार्केट्स में एक शार्प रिकवरी आई नो डाउट मार्केट नीचे गई बट मार्केट इज ट्राइंग टू रिकवरी रिकवर एंड देर अ गैप दट इज येट टू बी फिल्ड विच इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जो गैप है ये भरा नहीं है अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में तो मे बी मार्केट ये करने आ सकती है ओके ना डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखू तो नो डाउट डेली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छी कैंडल बनी है बुलिश कैंडल बनी है प्लस ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व जो हमारा सिक्सटी वन पॉइंट परसेंट लेवल है उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है मतलब ट्रेंड अभी इंटैक्ट है मतलब फिर से यहाँ से बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकती है एज लॉन्ग एज फ्राइडे का डे लो ब्रेक नहीं होता ओके okay? एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम अगेन सेम चीज बैंक निफ्टी देखो काफी अच्छे सपोर्ट पे था तो बैंक निफ्टी उतना नीचे गया भी नहीं है अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ देन आई थिंक यस सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स से रिट्रेस करके सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट के ऊपर क्लोजिंग दी है ओके सो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स में भी और थोड़ा अपमूव आ सकता है प्रोवाइडेड आज का डे लोज uh, ब्रेक नहीं होता ओके okay, एंड हमारा फिन निफ्टी में भी अगर मैं देखो तो सेम चीज है फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बनी है यू कैन से ओके सो वट नेक्स्ट फॉर द मार्केट्स ना जब भी देखो एक बड़ा कैंडल बनता है जैसे आज जैसे फ्राइडे को बना है वट मार्केट्स विल ट्राई टू डू इस मार्केट्स विल ट्राई टू ट्रेड इन साइड दैट रेंज ओके मतलब मार्केट में वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि कल मंडे को एक छोटा सा डोजी कैंडल जैसे बन सकते हैं मतलब ऐसे टाइप ऑफ कैंडल या ऐसे टाइप ऑफ कैंडल आपको कल देखने मिल सकता है यहाँ पे किधर ओके अगर कल हम लोग नीचे खुलते हैं तो बट अगर कल हम लोग ऊपर खुलते हैं इसके ऊपर मतलब फ्राइडे के डेहाइज के ऊपर खुलते देन दिस रैली कैन कंटिन्यू फिर आपका जो अपमूव आएगा वो भी बहुत क्विक रहेगा क्योंकि डाउनफॉल भी क्विक था नो डाउट एंड डाउनफॉल न्यूज बेस्ड भी था यू कैन से थोड़ा बहुत बट नो डाउट पुल बैक आना था मार्केट में क्योंकि पता नहीं अब न्यूज हमेशा टॉप पे क्यों आती है मार्केट में बट देन यू गॉट अ पुल बैक ओके नाउ द रिकवरी दैट विल कम शॉर्ट कवरिंग जो बोलते हैं हम लोग वो भी एकदम क्विक रहेगा सो बी रेडी फॉर इट इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउ फ्राइडेज डे हाइज ओके ये दिस इज माई व्यू बट अगर कल हम लोग किधर नीचे खुलते हैं तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ कैंडल या दिस काइंड ऑफ कैंडल डोजी काइंड ऑफ कैंडल आपको दोनों साइड का मूव मतलब साइडवेज मूव आपको देखने मिल सकता है अगर हम लोग गैप डाउन खुल रहे तो कितना गैप डाउन मतलब 50 80 पॉइंट्स अगर गैप डाउन खुल रहे देन आई एम एक्सपेक्टिंग अः साइडवेज मूव ओके बट जैसे ही फ्राइडे के डे एस के ऊपर जाएगी मार्केट यू डोंट हैव टू बी बेरिश यू हैव टू बी बुलिश यू हैव टू कंटिन्यू एंड गो विद द फ्लो ठीक है तो ये हुई अभी डे मतलब जनरल व्यू फॉर द वीक नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन लेवल्स देख लेते पहले वो जब से सबसे इंपॉर्टेंट है तो निफ्टी में व्हाट वुड बी द नेक्स्ट लेवल्स दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ओके 75 फाइव मिनट्स में मैं जाता हूँ थोड़ा देखता हूँ कि क्या हमको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको नो डाउट फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही हमको दिख के आ रहा है ठीक है मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ से रिजेक्शन यहाँ से रिजेक्शन यहाँ पे भी दो बार रिजेक्शन तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो आई थिंक मीनिंगफुल सेवेंटी फाइव मिनट्स पे यू कैन कैच दिस ओके वन सेकेंड देखो प्राइज ने यहाँ पे कितने अच्छे बार रिएक्शन दिया यहाँ पर रीटेस्ट यहाँ पर रीटेस्ट ऊपर यहाँ से रीटेस्ट यहाँ से ब्रेक डाउन यहाँ से फिर से रिजेक्शन सो ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री नाइन्टी ट्वेंटी टू थाउंड थ्री हंड्रेड बिकम्स योर यू कैन से नेक्स्ट रेजिस्टेंस आफ्टर ट्वेंटी टू थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव बड़े टाइम फ्रेम पे ओके 15 मिनट्स पे हम लोग जाते हैं अभी 15 मिनट्स तो पे भी अगर मैं देखूँ तो नथिंग चेंजेस यर यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है मेरे को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाइज एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो नो डाउट ये रहेगा ठीक है एंड सपोर्ट अगर मेरे को ड्रा करना है देन सपोर्ट देखो अभी थोड़ा डाइसी uh, हो जाता है बट देन आप इसको ले सकते हो सपोर्ट क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट लेके ऊपर गई है थोड़ा वेट करके ऊपर गई है सो ट्वेंटी टू थाउजेंड एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आप इसको एक सपोर्ट जैसे ले सकते हो एंड अल्टीमेट सपोर्ट तो हमारा यही रहेगा ठीक है मतलब आज का डे लोज बेसिकली ट्वेंटी वन थाउजेंड एट फिफ्टी फ्राइडे का डे लोज यू शुड नॉट मिस इट अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन ट्रेंड रिवर्स हो सकता है कल ओके okay? सो टूमारो इफ यू ओपन गैप अपी हैव टू बी कंटिन्यू रिमेनिंग बुलश एंड वी कैन सी मार्केट टचिंग ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड लेवल्स इवन ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड लेवल्स भी आ सकता है ये वीक में अगर ट्वेंटी टू थाउजेंड के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो ओके बैंक निफ्टी में अगर मेरे को देखना है लेवल्स तो उसको पहले निकाल देता हूँ सब कुछ एंड बैंक निफ्टी में अगर मेरे को सीधा लेवल्स देखना है पहले मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ ठीक है आप आर्ली पे भी जा सकते हो आर्ली पे आर्ली इज अवेलेबल फॉर फ्री मैं 75 फाइव मिनट्स इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज 75 फाइव मिनट्स में यू गेट इक्वल कैंडल्स ठीक है क्योंकि हमारी मार्केट खुलती है 9:15 फिफ्टीन को ए मार्केट क्लोज एट 3:30 राइट सो दैट्स व्हाई यू गेट इक्वल कैंडल्स इसके वजह से हम लोग सेवेंटी फाइव मिनट्स प्रेफ करते हैं बट देन इट्स नॉट नेसेसरी लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आपको कैंडल टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं रहती ओके फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखो तो यही नो डाउट क्रिस्टल क्लियर यही दिख रहा है हमको फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस पर तो कुछ दिख नहीं रहा है इस पर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो मेरे को यही दिख रहा है ओके बट इफ आई हैव टू सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर मेरे को देखना है देन कोई भी रेजिस्टेंस मेरे को देख नहीं रहा है सो so, कल बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा अप मूव आ सकता है इफ ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिए हमारी बैंक निफ्टी तो ओके okay? इसको मैं यहाँ पे ग्रीन में मार्क कर देता हूँ दिस बिकम्स योर सपोर्ट फॉर द डे ओके नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये रहेगा ठीक है यहां पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ से रीटेस्ट ऊपर गई मार्केट सो टुमारो फॉर्टी सेवन थाउजेंड थ्री फिफ्टी इज योर फर्स्ट सपोर्ट फॉर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज योर नेक्स्ट सपोर्ट फॉर्टी सेवन थाउजें सेवन हंड्रेड के ऊपर जाती है मार्केट देन देर इज नो देख देखो कितना पॉइंट्स का मूव आ सकता है आप ही देख सकते हो यहां पे अगर मार्केट खुल रही है देन यू कैन गेट अ फोर हंड्रेड पॉइंट अप मूव क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं मीनिंगफुल ठीक है सो बी रेडी फॉर इट बैंक निफ्टी कैन मूव वेरी नाइसली टुमारो दैट इज मंडे एंड लेट्स टू गैट फिन निफ्टी फिन निफ्टी के भी सब डिलीट कर देते हैं टू द सेवन फाइव मिनट्स टाइम फ्री ठीक है सो आई कैन शो यू हाउ आई ड्रॉ लेवल्स नाउ फर्स्ट नो डाउट हमको एक चीज़ जो दिख रहा है वो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया uh, है क्योंकि यहाँ से देखो प्राइज ने कितने अच्छे बार यू कैन से रिएक्शन लिया है सो फॉर ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर्टी टू बिकम्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो यही बन के आ रहा है ठीक है और कोई रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे लिख के ड्रॉ कर देता हूँ मार्केट इन रेड ठीक है दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी इतना कुछ क्लियर नहीं है बट ये गैप गैप रीजन तो फिल हो गया बट देन आप इसको ले सकते हो लेट्स लुक एट द छोटा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम में क्या हमको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है छोटा टाइम फ्रेम में भी, भी अगर मैं जाऊँ तो देखो देर इज नो रेजिस्टेंस अबाउ ट्वेंटी वन थाउजेंड टू ट्वेंटी सेवन तो इसमें भी यू नो काइंड ऑफ वैसा वाला मूव आ सकता है तो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा गैप रीजन है नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हमारा गैप रीजन देखो गैप रीजन वी ऑलवेज मार्केट हैज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाई बिकॉज यहाँ पे एक बार तो आके प्राइज रिएक्ट करेगा ओके सो फिन निफ्टी में कल ऑल्सो यू कैन से द पिक्चर इज वेरी क्लियर ट्वेंटी वन थाउजेंड एक साइकोलॉजिकल uh, नंबर भी है तो यू एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल मार्केट में या इसको कुछ तो आप थोड़ा ट्वेंटी वन थाउजेंड पर रख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट नो डाउट हमारा ये रहेगा ठीक है ओके सो टुमारो वॉट वुड बी योर लेवल्स इन फिन निफ्टी 21,230 वन इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस ट्वेंटी वन इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस देयर इज नो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कल अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है मार्केट देन यू कैन एक्सपेक् एट लीस्ट फर्स्ट मूव टू ट्वेंटी एंड यहाँ पे अगर फिर थोड़ा कंसल्टेशन होता है देन यू कैन मूव टेंटी वन थाउजें फोर एटी सेवन ओके सो बेसिकली ट्राइंग टू से मैं क्या बोलने की क्या बोलना चाह रहा कि मार्केट्स में एक थोड़ा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग अभी आ सकता है आने वाले दिनों में सो लेट्स सी 22,000 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग कर रहा है और इनफैक्ट 21,850 भी आप पकड़ के चलो जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आई विल बी बुलिश नाउ आई विल नॉट बी बैरिश देर विल बी एन नंबर ऑफ न्यूज इलेक्शंस वगैरह वोलेटिलिटी रहेगी नो डाउट बट देन आपको पता है आपको ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना आपको उस चीज पर ध्यान देना जो आपके सामने है तो ट्रेड वॉट यू सी नॉट वट इज देयर इन योर माइंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ज जो बोल रहे है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो एंड थोड़ा स्मार्ट मनी जैसे सोचो जैसे हम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू थिंक थोड़ा लाइक वॉट स्मार्ट मनी विल डू रिटेल जैसे आपको नहीं सोचना है धीरे धीरे आपको अपना माइंड सेट बदलना है, ठीक है सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड होप यू गेट एन आइडिया हाउ आई ड्रॉ द लेवल ठीक है आई होप यू गाइज हैड अ गुड फ्राइडे आई होप you गाइज यू हैड अ गुड थर्सडे इज वेल सो गुड टू नो दैट यी आर गुड getting back on the greener side again. Both टू मंथ्स टू वीक्स बोल रहा हूँ मैं इट वज़ वेरी यू कैन से टॉर मतलब बहुत परेशानी हुई, हुई हमको बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन भी था कि मार्केट्स कुछ फॉलो नहीं कर रही थी बराबर से मतलब फॉलो कर रही थी बट ऐसा लंटिंग काफी हो रहा था सो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस एज वेल बट फाइनली वी गॉट दैट वन साइड ट्रेंडिंग डे विच वी आर वेटिंग फॉर एंड वी मेड इट बिट ठीक है सो दैट्स अ बट फॉर द मार्केट टुडे गाइस आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दिस इज मी मनु साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड प्लीज ट्रेड रिस्पॉन्सिबली बाई